गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। ब्रह्मचिंतन के अलावा देवोपासना एवं कर्मकांड यज्ञ से निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अर्थात यह दुर्लभ मानव जीवन इस माया संसार के बंधन से मुक्त करने हेतु मिला है। देवोपासना और कर्मकांड यज्ञ इसके लिए संपूर्ण रूप से बाधक है। महात्मा शंकराचार्य जी ने अज्ञान बोधिनी शास्त्र में कहा है, मर्त्यः सह मृत्यु माप्नोति य इह मानामेव पश्यति, योन्य देवता मुपासते स देवानां पशुः। जो व्यक्ति आत्मतत्व के अलावा अन्य देव उपासक हैं, पशु के सहित समान होते हैं। वह आत्मा को पहचानने में असमर्थ है, इसलिए अध्यात्म विद्या का आश्रय ग्रहण करना उचित है। कारण देव उपासना और कर्मकांड यज्ञ मोक्ष प्राप्त करने वाला पथ को नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बोले हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पित्री व्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदिया जिनोपि माम। देव उपासक देवताओं को, पितृ उपासक पितृ लोगों को और भूत प्रेत उपासक भूत प्रेतों को मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं, परंतु ब्रह्मोपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ही वैदिक और लौकिक क्रिया से पुरुषार्थ का लाभ नहीं होता है। नौमुक्ति ही जपनाद्धो माद भवा सतरैरपि ब्रह्मी बाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। जीव जब तक यह निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने का जो साधना इसका निर्णय नहीं कर पाता है, तब तक केवल हजारों जप महायोग यज्ञादि पुण्य कर्म करके अनुष्ठान से तथा अनेक दैहिक कष्टदायक क्रिया करने पर भी जीवन मुक्ति का लाभ करने में समर्थ नहीं होता है। अतः केवल अव्यक्त परम ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करके उन्हीं का स्मरण चिंतन करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ति माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। अर्थात मंदबुद्धि लोग अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त स्वरूप ब्रह्म को न जानकर उन्हें रूपधारी बोलते हैं। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि के अभाव से परमात्मा के असली स्थायी मूल ब्रह्म स्वरूप को न पहचान कर अवतार पुरुष के नकली अस्थायी प्रतिमूर्ति रूप की उपासना करते हैं। अतः वैसे व्यक्ति माया से आवृत होकर अव्यक्त स्वरूप को नहीं जानकारी कर पाते हैं।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। ब्रह्म सबके शरीर में आत्मा के स्वरूप में विद्यमान होने पर भी ब्रह्म सबके पास प्रकटित नहीं होते हैं। ब्रह्म जन्म मृत्यु से रहित है। योग माया से घिरे हुए मूढ़ व्यक्ति ब्रह्म स्मरण के भाव की जानकारी नहीं कर पाते हैं। इस अव्यक्त परम ब्रह्म को तत्वविद ब्रह्म साधक ही जानकारी कर पाते हैं। इस अव्यक्त परम ब्रह्म की उपासना करने का विषय भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में इस प्रकार उपदेश प्रदान किया है। अशब्द मस्पर्श मरूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंध वत्सयत्। अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजारहितम्। भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे पवन तनय, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप शब्द वाच्य नहीं है, चर्म चक्षु आदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, यह रूप शून्य अविनाशी स्वाद रहित नित्य और गंधहीन है, इनका नाम और गोत्र नहीं है, तुम नित्य निरंतर इस स्वरूप का भजन करो। और भी आत्मबोध नामक शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है, रूपनामादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठति। अर्थात जिनके परमार्थ तत्व ज्ञान का उदय हुआ है, यानी जिन्होंने आत्म तत्व ज्ञान का प्राप्त किया है, वे रूप और नाम का परित्याग कर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में अवस्थान करते हैं। और भी संत कवि महात्मा भीम भोई विश्व दरबार में सुपरिचित स्तुति चिंतामणि नामक ग्रंथ में बोले हैं, अज्ञानी व्यक्ति रूप और दारू प्रतिमा मूर्ति को बोलते हैं, हे ठाकुर जी, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। परंतु हे मानव, विभु परमात्मा जो कि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर का निर्माण कर उसी में प्राणों को जोड़ रहे हैं अथवा उसी में प्राण को जोड़ रखे हैं, तब यह शरीर जिंदा है, लेकिन उनके श्रीचरणों में अपने को समर्पित नहीं करता है। कितनी अज्ञानता की बात है। इसे विचार करके देखो कि सजीव दुर्लभ जीवन प्राप्त किया हुआ मानव निर्जीव के साथ भाव प्रेम करता है, भक्ति करता है, मांगता है, संसार की चीज दे दो, संसार की चीज दे दो। इसलिए परमेश्वर को न पहचान कर तथा भजन न करके अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। यों तो अज्ञानता से घर संसार सुख प्राप्ति की इच्छा रखकर अपने मन की इच्छा से जिस किसी की भी पूजा अर्चना करता रहता है, मगर एक ब्रह्म को पहचान कर निष्काम पूर्वक बिना ब्रह्म की साधना से गति मुक्ति भुक्ति शांति की कतई नहीं प्राप्त हो सकती है। अतः सत्य सनातन महिमा धर्म के प्रवर्तक विश्व वंदनीय श्रीमत प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है, साधक
ब्रह्म तत्व को भलीभांति पहचान कर निष्काम पूर्वक साधना करने से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी उपाय से संभव नहीं है। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।